हेलो दोस्तों, स्वागत है वो क्रिप्टो सागर के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीफी फाइनेंस के बारे में। क्या है बीफी फाइनेंस, कैसे काम करता है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स और बेस्ट रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आ चुके हैं सबसे पहले बीफी फाइनेंस की वेबसाइट पे। तो पहले समझ लेते हैं बीफी फाइनेंस है क्या। बीफी फाइनेंस को समझिए इस तरीके से कि भाई ये सारे क्लटर को, अगर आप यील्ड फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको पता होगा, जब कोई बंदा यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटजी लगाता है तो उसको अपने एक लिक्विडिटी फार्मिंग का टोकन्स डालने पड़ते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट टोकन्स के अंदर रिटर्न आते हैं वापस डालने पड़ते हैं वो सबको। और अगर आपको नहीं थोड़ा सा आइडिया है तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले शुरुआत में मैंने ये एक वीडियो बनाया था टॉम फाइनेंस स्टेकिंग का, इसको मैं खोल लेता हूँ और इस वीडियो को आप जाके देखिएगा। इसके अंदर मैंने प्रॉपर काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि भाई कैसे आप टॉम फाइनेंस स्टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा यील्ड फार्मिंग का ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने अच्छे से टॉम और फैंटम टोकन के अंदर यील्ड फार्मिंग करके आपको दिखाई थी। उसमें मैं आपको एक लास्ट में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ एक डायग्राम जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर देखिए कि भाई हमारा FTM और टॉम, एक FTM टोकन था और टॉम टोकन था। FTM और टॉम टोकन के अंदर 50-50% का हमें लिक्विडिटी पेयर लेना था, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी थी इन दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि टॉम जो है फैंटम से 1:1 के रेशियो पे पैक्ड था, तो इन दोनों का प्राइस सेम चलता आ रहा है, सेम चलता रहेगा। तो इसके अंदर मैंने अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी इसमें, क्योंकि इम्परमानेंट लॉस का रिस्क कम हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, LP टोकन्स मिले, LP टोकन्स को फिर हमने डाला टी शर्ट्स में और टी शर्ट से फिर वापस जो भी 238% मिल रहा था वो टॉम में डाला और टॉम से वापस FTM टॉम की LP में। ये पूरी एक साइकिल बनाई थी हमने और ये मैन्युअली मैंने करके दिखाया था। यहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग डेक्सेस का इस्तेमाल किया था, स्पूकी स्वॉप का इस्तेमाल किया था एंड मैंने कॉइन्स भी स्वॉप करे थे एक्सचेंजेस से अपने। और यहाँ पे आके मैंने फिर टॉम फाइनेंस की वेबसाइट पे आके पूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड करके पूरा अच्छे समझाया। अगर किसी को देखना है तो ये वीडियो जाके देख सकता है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने यील्ड फार्मिंग ही करके दिखाई है। तो मेरे कहने का और दिखाने का पर्पस ये था कि भाई एक अगर यील्ड फार्मिंग कोई करता है, मैनुअली करता है, तो वो एक पूरे एक प्रोसेस से गुजरता है जो कि इस तरीके से पूरा प्रोसेस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये बीफी फाइनेंस क्या कर रहा है। बीफी फाइनेंस बेसिकली आपका ये पूरा क्लटर जो था ना, पूरा जो प्रोसेस था, ये काम था, ये काम सारा का सारा बीफी फाइनेंस अपने आप कर लेता है ऑटोमेटेड। आपका बेसिकली यील्ड फार्मिंग का जो प्रोसेस है उसको वो ऑटोमेट कर रहा है वन क्लिक में। मतलब आप एक क्लिक करेंगे और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके लिए वो खुद करेगा और आपको एक परसेंटेज देगा डिसेंट और वो आपको अर्निंग करवाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इन नटशेल बीफी फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो beefy.finance पे आप आ जाएंगे और इसको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा। लॉन्च ऐप पे जा सकते हैं। लॉन्च ऐप पे जाने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यह ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डेक्सेस सारे अलग अलग ब्लॉकचेन्स के हिसाब से होते हैं, हारमनी, फैंटम, पॉलीगन। अगर मेरे को सिर्फ फैंटम देखनी है तो फैंटम पे क्लिक करते ही मेरा क्या होगा, अब जितने भी यहाँ पे दिखाएगा यील्ड फार्मिंग के स्ट्रेटजी दिखाएगा वो सारे फैंटम को लेके ही दिखाने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं है क्या। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा टोटल वैल्यू लॉग्ड, दिखाता है कि भाई इस टाइम टोटल वैल्यू कितनी लॉग्ड है, 428.31 मिलियन डॉलर्स की टोटल वैल्यू लॉग्ड है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे डेली बायबैक जो है 4000 डॉलर चल रहे हैं, वॉल्ड सिस्टम 700 के आसपास है। ठीक है, जब मैंने फैंटम क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने पेयर्स आएंगे फैंटम के रिलेटेड में आएंगे, मतलब उन सब के पेयर्स के अंदर फैंटम ज़रूर होगा क्योंकि मैंने फैंटम की ब्लॉकचेन सिलेक्ट कर ली है। तो फैंटम टोकन का हर पेयर में होना एक मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि मान लीजिए आप होता क्या है, इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, हम क्यों यील्ड फार्मिंग करेंगे। अब हो सकता है कि आपके पास फैंटम टोकन्स पड़े हों, हो सकता है आपके पास हारमनी पड़े हों, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं एक तो अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके। ठीक है, अगर होता हो सकता है कि आपको हारमनी के ऊपर इतने अच्छे रिटर्न वहाँ पे ना मिल रहे हो, तो आप यहाँ पे बीफी फाइनेंस पे आके चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे को अगर हारमनी यूज़ करना है। जैसे मैंने हारमनी क्लिक किया तो यहाँ पे पेयर्स में हारमनी निकल के आ गया और हारमनी के अंदर दिखा रहा है आपको कि भाई यहाँ पे देखेंगे ट्राई क्रिप्टो, इसमें डाई, USDT, एथर, बिटकॉइन ये सब दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 1 BTC 1 LP। मतलब बिटकॉइन और हारमनी का अगर लेंगे पेयर में, अगर यहाँ पे यील्ड फार्मिंग करते हैं तो इस पे मिल रहा है रिटर्न 1.99% का। और यहाँ पे देखेंगे एक आता है सेफ्टी स्कोर, सेफ्टी स्कोर आपको बताता है कि कितना सेफ है। सेफ्टी स्कोर में 9.4 स्कोर है, तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है,
फिर आता है डाई यूएसडीसी यूएसडीटी, आपके पास अगर स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन की अगर करनी है तो उसमें आपको 0.60% मिल रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब है रिटर्न, बट सेफ्टी स्कोर उसका 10 है। और कहाँ पे होगा ये? ये होगा कर्व फाइनेंस पे, कर्व फाइनेंस की वेबसाइट से पूरा इस यील्ड फार्मिंग का प्रोसेस लेके चलेगा। बीफी खुद करेगा, आपको नहीं करना, ये वो करेगा, बट यहाँ पे दिखाता है कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म से करेगा, ठीक है जी। तो मुझे हारमनी पे नहीं करना, यहाँ पॉलीगन अगर क्लिक कर लेंगे तो पॉलीगन के दिखाएगा, आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पॉलीगन मेरे पास पड़ा है और मेरा फैंटम पड़ा है, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई दोनों के बीच में करना चाहता हूँ, तो दोनों के दिखाएगा, यहाँ फैंटम का भी दिखाएगा और पॉलीगन का भी बीच बीच में आपको पेयर्स दिखाता रहेगा यील्ड फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते रहेंगे, अब मैं फिलहाल के लिए मैटिक पे चलता हूँ, सिर्फ मैटिक, पॉलीगन मैटिक पड़ा है मान लीजिए आपके पास, और आप बोलते हैं भाई मुझे यील्ड फार्मिंग करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज ऑफ, देख रहे हैं ए पी वाई कितनी अच्छी दिखा रहा है, 3692% की ए पी वाई मिल रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी फैंसी होती है ए पी वाई आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि भाई वो जो आपने टोकन दूसरा ले रहा है वो कौन सा है, तो मैटिक है और एक पी मैटिक है, ठीक है, रिपे कॉइन है कोई, ठीक है। तो उसके अंदर आपको करना है या नहीं करना, वो कितना रिस्क, तो वो रिस्की है, इसीलिए यहाँ पर सेफ्टी स्कोर में 7.9 आया है, ठीक है। 1% का डेली रिटर्न ये आपको निकाल के दे देगा, तो आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको कुछ क्लियरली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जाके उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने जब मैटिक सिलेक्ट किया तो मैटिक के सारे पेयर्स आ गए, USDC, TLLP इनका आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं APY सारी आती है, एंड देन यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड आती है। अगर आपको सर्च करना है भाई मेरे को पॉलीगन के अंदर, अगर मैं सिंगल एसेट LPs पे क्लिक कर दूंगा तो सिंगल एसेट दिखाएगा कि भाई सिंगल एसेट में अर्निंग कहाँ हो रही है। एक कोई न्यू क्विक करके आया है, क्विक स्वॉप का टोकन है कोई, उस पर मिल रही है 47.59% की। अगर आपके पास वो टोकन है तो आप सिंपली यहाँ पे 47.59% की अर्निंग कर सकते हैं। वैसे ही बीफी का BQI टोकन है, वो आपके पास है तो 14.30% का आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ स्टेबल कॉइन्स, अगर सबसे पहले बात करूँ भाई स्टेबल कॉइन सबसे सेफ है इसके रेट, आज की रेट में, क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉइन के अंदर आप यील्ड फार्मिंग करते हैं तो इम्परमानेंट लॉस आपका नहीं होता है। जिन लोगों को इम्परमानेंट लॉस नहीं पता, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको अपने चैनल पे, और मैं दिखाता हूँ, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड। यहाँ पे आप अगर आ जाएंगे, ये वाला वीडियो है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी फार्मिंग एंड व्हाट इज़ इम्परमानेंट लॉस। इसके अंदर मैंने क्लियरली मैंशन करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि भाई क्या होता है इम्परमानेंट लॉस। बेसिकली इम्परमानेंट लॉस क्या होता है कि जब आप रिस्क एसेट्स में करते हैं, रिस्क एसेट होता है कि जब एक स्टेबल हो या एक क्रिप्टो करेंसी हो हमारा, तो वो रिस्क एसेट्स रिस्क पेयर बन जाता है, ठीक है। तो रिस्क पेयर में इम्परमानेंट लॉस होता है कि जब आपने इस टाइम आपने डाले हैं पैसे इस पूरे प्लेटफॉर्म पे और जिस टाइम निकाल रहे हो, उस टाइम के बीच में जब रेट्स का और प्राइस का डिफरेंस आया था, वो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू इस पूरे प्लेटफॉर्म को लेके होती है उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलनी होती है। तो ये पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन उस वीडियो के अंदर किया है, जो मैंने आपको भी मेंशन करके दिखाया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को और समझ जाएंगे इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमें स्टेबल कॉइन्स में क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन स्टेबल रहते हैं, उनका कोई प्राइस चेंज नहीं होता, तो इसमें इम्परमानेंट लॉस का हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं स्टेबल कॉइन करूँ, मैंने बोला मेरे को स्टेबल कॉइन्स में ही अगर करनी है और मुझे पॉलीगन चेन ही चाहिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है GUR पैर और URS करके URT कुछ टोकन से जो कर फाइनेंस से आते हैं जार्विस के नाम से, वो आपको 6.26% की APY दे रहे हैं। सेफ्टी स्कोर में 8.5 मिलियन है और टोटल वैल्यू लॉक 1.42 मिलियन है, जो कि अच्छी खासी वैल्यू है इस टाइम इस पेयर के अंदर, क्योंकि इस पेयर के अंदर रिटर्न भी आप देख रहे हैं स्टेबल कॉइन में होने के बावजूद 6.5% के आसपास का आपको रिटर्न ये दे रहा है, और 1.42 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है, तो आप इस पर काफ़ी ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड सेफ्टी स्कोर भी काफ़ी डिसेंट है, कोई दिक्कत परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज़ हाउ आप अपनी ब्लॉकचेन सिलेक्ट करके अपनी पसंद के स्टेबल कॉइन्स को चूज़ कर सकते हैं, और आपको नहीं करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं USDC USDT DAI है, इसके अंदर आयरन स्वॉप को वेबसाइट को यूज़ करेगा और यहाँ पे आपको 1.4% देगा, काफ़ी बुरा है, इससे अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बताया है अगर आप एवलांच पे चलें, एवलांच में अगर मैंने स्टेबल कॉइन्स यहाँ सिलेक्ट कर रखा है तो स्टेबल पेयर ही दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्लॉक चेन आपने सिलेक्ट करी यहाँ पे और यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स क्लिक कर दिया है, तो आपको स्टेबल के ही पेयर्स दिखाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कर फाइनेंस का इस्तेमाल करके माई डाई USDC USDT के पेयर में अगर आप डालना चाहते हैं तो 7.5% तक का आपको स्टेबल कॉइन पर रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने आप में।
सो दिस इज़ हाउ आप अच्छी एक रिटर्न अपने स्टेबल कॉइन्स पे भी निकाल सकते हैं लेजिट तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड है आपका पैसा, कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेबल कॉइन्स में रहेगा एंड देन स्टेबली आपको 7.5% का रिटर्न एनुअली देता रहेगा, ठीक है। टोटल वैल्यू लॉक्ड देखेंगे यहाँ पे तो आपको आराम से 1.99 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है और सेफ्टी स्कोर भी 9.7 का है, जो कि मैं काफ़ी अच्छा समझता हूँ। तो ये आप इस तरीके से स्टेबल कॉइन्स में अगर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्लॉकचेन में जाके अपने पसंद का और अपने अच्छे इंटरेस्ट का, जो बेस्ट इंटरेस्ट आपको दे रहा हो, वो ढूंढ सकते हैं अपना पेयर और उसमें लगा सकते हैं। ब्लू चिप्स पे क्लिक करेंगे तो ब्लू चिप्स में आता है इथेरियम, BTC, यही आते हैं। और इसके अंदर आप देख लेते हैं तो ब्लू चिप्स के अंदर वेथ जो कि रैप्ड इथेरियम है उसके अंदर आपको 0.99% का APY मिल रहा है। ब्लू चिप्स के अंदर आपको नहीं मिलना कुछ खास तो इसके अंदर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बीफी मैक्सी करके आता है, उसका अपना है बीफी फाइनेंस की साइट का, उसके अंदर आपको 8.5% का रिटर्न मिल रहा है। इसके अंदर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी सेफ्टी स्कोर 9.7 का एंड काफ़ी अच्छी $1.53 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है, तो ये काफ़ी अच्छा है अपने आप में, जो कि एवलांच की चैन पे चल रहा है। और बीफी फाइनेंस की अपना ही टोकन है तो अपनी ही वेबसाइट पे, किसी और डेस्क पे भी नहीं करेगा, तो आपको अच्छे रिटर्न इससे मिल सकते हैं 8.5% के। तो दिस इज़ हाउ इट वॉज। यहाँ पर फीचर्ड का सेक्शन है, फीचर्ड में आपको कुछ फीचर दिखा रहा होता है कि भाई जो इस प्लेटफॉर्म पे फीचर हो रखे हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। आप सर्च करना चाहें, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है और आपको देखना है भाई मेरे पास भाई पॉलीगन मैटिक पड़ा है, मेरे पास आप मान लीजिए BNB पड़ा है, मेरे को BNB के रिलेशन में देखना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, BNB सिलेक्ट कर सकते हैं। BNB के इसमें AVAX पे, क्योंकि मेरी ब्लॉकचेन एवलांच हो रखी है सिलेक्ट, तो उसने एवलांच में BNB का पेयर दिखा दिया। BNB AVAX LP 19.63% मिल रहा है। ये रिस्की पेयर है, रिस्की LP है, इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्टेबल नहीं है, इसके अंदर इम्परमानेंट लॉस होगा और इम्परमानेंट लॉस होने की वजह से ये 20% भी किसी काम का नहीं रह जाता अगर इम्परमानेंट लॉस आप आ जाएगा इसके अंदर, तो समझ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में करना है, इस पर सिर्फ ट्रेडर जो ही दिखा रहा है क्योंकि एवलांच सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ BNB चेन। यहाँ पे BNB चेन मैंने सिलेक्ट करी है एंड देन हाईएस्ट APY से मैंने यहाँ क्लिक करके कर लिया, जो दिखा रहा है पाए और BNB LP। पाए कोई कॉइन है जो BNB के साथ पेयर हुआ है तो उसका 2198% का APY। हेल्थ आप देखेंगे जो ऐसे पेयर होंगे जो हाई यील्ड वाले होंगे उसके अंदर सेफ्टी स्कोर अच्छा नहीं होता। मैं आपको नहीं कहूँगा कोई भी 9 के सेफ्टी स्कोर से नीचे के पेयर में आप कहीं जाइए, किसी भी 9 से नीचे के सेफ्टी स्कोर में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वापस मैटिक पर चलते हैं और मैटिक में देख लेते हैं मैटिक में क्या क्या ऑप्शन हैं। मैटिक के अंदर आप यहाँ पे देखते चलिए APY के अंदर काफ़ी हाई APY आ रहे हैं। अब मैं आपको किसी एक रिस्क पेयर को खोल के समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास मैटिक पड़ा है और मैटिक से मैटिक के अंदर ही आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैटिक एक्स एंड मैटिक LP, ठीक है। मैटिक और मैटिक एक्स क्या है, वैसे ही जैसे टॉम और फैंटम मैंने बताया था 1:1 पैक्ड है, वैसे ही मैटिक एक्स एंड मैटिक 1:1 रेशियो में पैक्ड है। मतलब क्या है, जो मैटिक का प्राइस रहेगा वही मैटिक एक्स का प्राइस रहने वाला है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी आपका इम्परमानेंट लॉस निल हो जाता है। आपका इम्परमानेंट लॉस नहीं होने वाला, जो भी आपका लॉस होगा वो रेट पे होगा बेसिकली, कि भाई जो भी प्राइस गिरेगा आपके मैटिक का गिरेगा तो उसका भी गिरेगा, वो सेम ही रहने वाला है। इम्परमानेंट लॉस बीच में आपका नहीं होने वाला है। तो इसके अंदर आप करना चाहें तो 23% की आपको APY मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है और 8.5 का 9 के अराउंड है, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है ऐसे स्कोर पे, आप जा सकते हैं और कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा इस पर, क्लिक करके जब आएंगे तो यहाँ पे हिस्टोरिक डेटा दिखा देगा आपको यहाँ पे एंड देख आपको राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे दिखा देगा कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई आपके पास 0 मैटिक एक्स होना चाहिए, W मैटिक होना चाहिए, या मैटिक एक्स होना चाहिए, या मैटिक होना चाहिए, इन चारों में से आपके पास ये कुछ टोकन्स होने ही चाहिए, ठीक है। आपके इनमें से कोई एक भी होगा, मान लीजिए अगर मैटिक पड़ा है तो आप मैटिक क्लिक कर देंगे एंड देन आप यहाँ से कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे। पॉलीगन में नेट पर ऑलरेडी दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे पास अभी पॉलीगन नहीं पड़ा है तो इसमें नहीं दिखाएगा। अगर मैक्स आउट कर दूँ यहाँ से तो मैक्स आउट में नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि वो ट्रेडेबल वॉल्यूम नहीं है उसका। बट आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आके आपके पॉलीगन मैटिक है मैक्स आउट करना है। मैक्स आउट करके क्या करेगा, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, उससे पहले यहाँ पे देखिए सेफ्टी स्कोर 8.5 का है इसका, ठीक है। लो कम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटजी है बीफी की, कोई भी आपको इसके अंदर ऐसे लो रिस्क हाई रिस्क नहीं है, वेरी लो और जीरो एक्सपेक्टेड इम्परमानेंट लॉस IL है,
मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी इम्परमानेंट लॉस इसके अंदर आपको नहीं होने वाला है, जीरो या फिर बिल्कुल लो है, ठीक है। प्लेटफॉर्म विद नोन ट्रैक रिकॉर्ड, जिस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड नोन है, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोसेस के अंदर जाके इस काम को करते हैं और एक बंदे के लिए नहीं करते हैं, ये इस पेयर के अंदर जिन लोगों ने भी पैसा डाला होगा सबके लिए एक साथ कर रहे होते हैं, तो इनके लिए भी ईजी होता है और हम जैसे लोगों के लिए भी छोटा छोटा अमाउंट लगाना ईजी होता है, ठीक है। ये हो गया कार सारा, आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। देन यहाँ पर आता है कि भाई प्रोसेस बता रहे हैं क्या करने वाले हैं, ये क्या करेंगे, मैटिक डालेंगे और मैटिक एक्स डालेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उसकी जाके, ठीक है। देन डिपॉजिट रिसीव मैटिक एलपी लोकर इनटू बीफी वॉल्ट, फिर उसको बीफी वॉल्ट में डालेंगे एंड जो अनयूज्ड अमाउंट होगा मैटिक से मैटिक वो आपके वॉलेट में डाल देंगे। एंड देन क्या करेंगे, जो भी इससे इंटरेस्ट गेन होता रहेगा ये वापस आपके इनिशियल अमाउंट में डालते रहेंगे, रिटर्न करते रहेंगे एंड देन उस पर और अर्न करते रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस फ़ी लेते हैं ये 4.5% की, ठीक है। ये 4.5% की इनकी अपनी फ़ीस है, जो कि सारी स्ट्रैटेजी जो आपके अर्निंग करेंगे उसमें से अपनी जेब में रखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है और जो कि बनता भी है, जो को आप जो बंदा इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी करके, जो मैंने कुछ इनिशियली शुरुआत में वीडियो में दिखाई, वो इतनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है आपकी अर्निंग निकालने के लिए अच्छी खासी, उसको इतना देना बनता है उनका, वो लेते हैं। जो कि इट इज़ ऑफ नो काइंड ऑफ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये बीवी फाइनेंस का काफ़ी नाम है, रेपुटेशन है इस मार्केट के अंदर, यील्ड फार्मिंग के अंदर, इसलिए मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड वहाँ पे इस तरीके की फ़ीस के साथ आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आप इस तरीके समझिए कि आपके पास पॉलीगन आपने ख़रीदा था कभी और आपके पास पड़ा हुआ आपके अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, आपके वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में कहीं पड़ा हुआ है, तो आप क्लियरली आप उसको बीवी फाइनेंस पे आने के बाद अपने वॉलेट से कनेक्ट करके यहाँ पे किसी स्ट्रैटेजी में इस तरीके की मैटिक एक्स और मैटिक एलपी में लगा दें, तो आपको 23% का वो बिना इनपरमानेंट लॉस का एपीवाई निकाल के देता रहेगा, तो क्या बुरा है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, और वो अपना जो चार्जेस लेगा वो लेगा, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं काफ़ी सारे वॉलेट आ जाते हैं, मेटामास्क है, जिन लोगों को मेटामास्क में नहीं आइडिया है कैसे करते हैं, मेरा लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली फुल ट्यूटोरियल दिया है मेटामास्क के ऊपर, कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे आप यूज़ करते हैं डेक्सिस पे जाके, सब मैंने क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया है, तो मेटा मास्क यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल आता है ट्रस्ट वॉलेट से लेके, हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई आप सीधा ट्रस्ट वॉलेट से भी यूज़ करके इसके अपने टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट से अपने टोकन डायरेक्टली यहाँ पे आके आप कनेक्ट करके स्टेकिंग में बीफी फाइनेंस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे एंड देन कनेक्ट करके अपनी यहाँ पे मैक्स आउट करके अपनी अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे और अर्न करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने बताना था आपको कि आप कैसे बीफी फाइनेंस पे आके अच्छा पेयर अपने हिसाब से, अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से, अपनी ब्लॉकचेन के हिसाब से यहाँ पे आके आप ढूंढ सकते हैं अपनी पसंद का, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आपको टोटल वैल्यू लॉक देखनी चाहिए सबसे पहले, कि यहाँ पे टीवीएल बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी डिसेंट एपीवाई होनी चाहिए, एंड एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि आपको इम्परमानेंट लॉस वाले पेयर्स में मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इम्परमानेंट लॉस जिसमें आपको हो रहा हो उसमें जाएं। मेरी स्ट्रैटेजी रहती है स्टेबल कॉइन्स, अगर आपको स्टेबल कॉइन्स में रह के एक अच्छी ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था एवलांच थी यहाँ पे, आपको अच्छे पेयर के अंदर 7.35% का मिल रहा है, जैसे कि आप देखेंगे यूएसडीटी एलपी यहाँ पे जा रही है सिर्फ, तो 7.35% मिल जा रहा है, तो यूएसडीटी रहेगा आपका और उस पर 7.35% एनुअली अर्न हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इम्परमानेंट लॉस नहीं और इजीली आप अर्न कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपको इतना रिटर्न नहीं मिलना किसी एक्सचेंज पे, तो आप बीवी फाइनेंस पे आके इसका अर्न कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी है स्टेबल कॉइन्स एंड देन नेक्स्ट इज सेम पेयर, मतलब पॉलीगन है तो पॉलीगन के पेयर में डालेंगे जो कि पैक्ड हो पॉलीगन से, फैंटम है तो फैंटम के अंदर डालूंगा तो जो कि उसके साथ पैक्ड हो, जैसे टॉम है, मैंने टॉम में बताया था, मैं बेसिकली जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको उस वीडियो में दिखाई थी टॉम के अंदर, वो मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, आके टॉम कॉइन के अंदर मैं आके अंदर फैंटम के साथ यहाँ पे कर सकता हूँ। और भी नए कॉइन्स आ गए हैं, वो सब यहाँ पे आप देख के ढूंढ के कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो इस तरीके से देखिए आप इसको कि बीफी फाइनेंस एक तरीके का शॉपिंग साइट है जो कि आपके कॉइन्स के अंदर कैसे इंटरेस्ट अर्न करवा सकती है, इंटरेस्ट शॉपिंग साइट समझ लीजिए, कि आपका इंटरेस्ट कैसे आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो के अंदर, जो कि आपके वॉलेट में वेस्ट पड़ी है, आइडल पड़ी है, इनएक्टिव पड़ी है, उसको आप अपने बीवी फाइनेंस पे ला के अच्छे से यूज़ कर सकते। सो उम्मीद करता हूँ ये बीवी फाइनेंस का ट्यूटोरियल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई सवाल है आपका इस पूरे वीडियो में किसी चीज़ को लेके, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए आप सपना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, पीस आउट। Peace out.